हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साफ्लनर। पिलामाने आज आम दशम श्रेणी साहित्य बहर जन्मभूमि पाठर किसी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को आलोचना करने पाने जहाँकि तुम फॉर्मेटिव असेसमेंट टू बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। आ जो फॉर्मेटिव असेसमेंट टू डा केबे हेबाकू जाउछि पिलामाने ना नवंबर मासर प्रथम सप्ताह हेबाकू अछि। ओके पिलामाने, तासत ये जो प्रश्न गुड़ी आम जो आलोचना करने पिलामाने तुमको जो समेटिव असेसमेंट वन अछि देन समेटिव असेसमेंट टू अर्थात अधवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा यही समस्त परीक्षा पर मत बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। मन रख पे सब प्रश्न गुड़िक तुम जो फाइनल मार्क आसो से फाइनल मार्क में युड़ सब आड हे। ओके, तेणु कहीं मैंने गुरुत्वहीनतार सह क्लास कर ना, रेगुलाली क्लास कर और किसी नलेज गेन कर। ओके, तो चलो स्टार्ट करवा। आगे पे मन रख, यहाँ हूँ पार्ट टू, यहाँ पूर्व पार्ट वन अलरेडी अपलोड हो सारी, देख न तेज प्लेलिस्ट को विजिट कर। एक नंबर प्रश्न देख पे, यहाँ पूर्व अलरेडी 20 नंबर प्रश्न सरी जा। एक नंबर प्रश्न कौन केऊ ऋतु पल्लीभूमि शस्य सबुजिमारे भरी जाए, तो पे उत्तर कौन हम केऊ ऋतु पल्लीभूमि, पल्लीभूमि अर्थ हो पे ग्रामांचल जो भूमि गुड़िक शस्य सबुजिमारे भरी जाए, वर्षा ऋतु ना शरत ऋतु ना हेमंत ऋतु ना ग्रीष्म ऋतु, तो पे कौ ऋतु शस्य सबुजिमारे भरी जाए पल्लीभूमि, तो कौन हम राइट आंसर, ऑप्शन ए ना ऑप्शन बी ना ऑप्शन सी ना ऑप्शन डी, कौन हम पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वर्षा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपपुर निकटरे केउ नदी प्रवाहित होउछि, गंगा नदी, जमुना नदी, सरस्वती नदी, सिंधु नदी, कौन हम राइट आंसर पे पे सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन बी जमुना नदी। नेक्स्ट, द्वारका निकटरे केउ तीर्थ क्षेत्र रही पे चक्रतीर्थ ना प्रभास तीर्थ प्रयोग तीर्थ ना शैव तीर्थ, तो द्वारका निकटरे केउ तीर्थ क्षेत्र रही पे द्वारका निकटरे प्रभास तीर्थ रही, अर्थात ऑप्शन बी हम यार राइट आंसर। आज मध्य केउ मानक मन दूरवंशी स्वनरे भाराक्रांत हो उठे, राधांकर, गोकुलवासींकर, गोपांगनांकर, अनुडा गोपकन्या मानकर, तबे पिला माने आज मध्य केउ मानक मन दूरवंशी स्वनरे भाराक्रांत हो उठे। पिला माने एही प्रश्नर सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन डी अनुडा गोपकन्या मानकर। ओके पिला माने जदि केही जानिस अनुडार अर्थ कौन तबे कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर। रज पर्व रे केउ खेल रे ग्रामवासी माने माति जानती, दोली खेल रे, क्रिकेट खेल रे, ना हॉकी खेल रे, ना फुटबॉल खेल रे, तबे पिलाने केउ खेल रे ग्रामवासी माने माति जानती जो समय कि रज पर्व चल थाए, तो कौन हम राइट आंसर पिला माने राइट आंसर हम ऑप्शन ए दोली, निहत रूप रज समय तो दोली एका खेलिबे ना अन्य खेल थोड़ी ना खेलिबे। केऊ लोक जीवन युद्ध रे दिग्विजयी वीर भाव परिचित हुए, केऊ लोक जी अभिजात श्रेणीर ना जी सहरवासी ना जी अधिक धन संचय करे ना जी जन्मभूमि को भल पाए, तेबे पिल माने केऊ लोक जीवन युद्ध रे दिग्विजयी वीर भाव परिचित हुए, पिल माने यार राइट आंसर होउछ ऑप्शन सी जी अधिक धन संचय करे। नेक्स्ट, महाभारतर कर्णधार रूपे किए परिचित, दुर्योधन ना अर्जुन ना भीष्म ना श्रीकृष्ण, महाभारतर कर्णधार रूपे किए परिचित पिले माने महाभारतर कर्णधार रूपे श्रीकृष्ण परिचित। नेक्स्ट, अच्छा कहले पिले माने श्रीकृष्ण कहा प्रति विश्वासघातकता करथिले, द्वारिका प्रति ना गोपपुर प्रति ना इंद्रप्रस्थ प्रति ना मथुरा प्रति, तो श्रीकृष्ण कहा प्रति विश्वासघातकता करथिले, पिले माने श्रीकृष्ण गोपपुर प्रति विश्वासघातकता करथिले। ओके, नेक्स्ट देखो,
निम्नलिखित पुस्तक मध्य केउंटी कृष्णचंद्र पाणिग्राही आत्मजीवनी अटे पे आत्मजीवन अर्थ कौन जहाँ को इंग्लीश ऑटोबायोग्राफी बोली कहुए तो आ भितर कौड़ा अटे मो संग्राम मो समय ओडिशा ना जीवन पथे अर्ध शताब्दी ओडिशा और तहीं मो स्थान तो कौड़ा राइट आंसर पे पे राइट आंसर हम ऑप्शन बी मो समय ओडिशा तो यहाँ हूँ एक प्रकार कृष्णचंद्र पाणिग्राही आत्मजीवनी अटे ओके धर्मांतर ग्रहण कलापर व्यक्ति शेष में कौन भूली जाए पल्ली को भूली जाए ना घर को ना देश को ना जातीयता को तो धर्मांतर ग्रहण कलापर व्यक्ति विशेष से कौन भूली जाए पे सठिक उत्तर हूँ जातीयता को अच्छा कहल पिले पल्लीर मीनस ग्रामर नर नारी बोले पुओ झीर के परंपरा गढ़ी उठाए भाईचारा बंधुबांधव एक परिवारत्व एक मनोभाव तो क्यों प्रकार परंपरा गढ़ी उठू थाए ग्रामांचल रोकता नर नारी मान कौटा पे रईट आंसर पे रईट आंसर हूँ ऑप्शन सी एक परिवारत्व ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलो 32 नंबर प्रश्न को देखो पिला माने अच्छा कह गाँटी जाकर समस्ते एवं लेखकों पर कौन हो गले बोली पाठ लिखा जाए निजर आपणार ना देशर ना पर तेरे पे गाँटी जाकर समस्ते एवं लेखकों कौन हो गले पे आंसर हूँ ऑप्शन डी पर हो गले ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख तेतीस नंबर प्रश्न आगे देखिले सार मौसी लेखक कौन पचारुले सरी आगे देखिले सार मौसी लेखक कौन पचारुले पे केबे आसिलु धन ना केबे आसिलु बापा ना केबे आसिलु बाबू ना केबे आसिलु कृष्ण तेबे पे आगे सार मौसी जदि लेखक को देखती तो कौन पचारुले ऑप्शन ए ना ऑप्शन बी ना ऑप्शन सी ना ऑप्शन डी कौन हम राइट आंसर पे राइट आंसर हूँ ऑप्शन बी केबे आसिलु बापा नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न देख पे 34 नंबर प्रश्न लेखक प्रबंध रे ग्रामर क्यों अकर्मा और अविवाहित व्यक्ति कथा उल्लेख कर फकीर भाई गोविंदा भाई नकुल भाई ना शंकर भाई तबे कौ भाई कथा कही लेखक यही पाठरे कौन हम पे राइट आंसर पे सठिक आंसर हूँ ऑप्शन बी गोविंदा भाई कथा कही जी कि अकर्मा आउ अविवाहिता अटे नेक्स्ट प्रश्न अच्छा कहले पे 35 नंबर प्रश्न उत्तर जे गोविंदा भाई तार क्षुद्र कुटीर को दुर्ग करी कौन घोषणा करी आसी समग्र देश विरोध में विद्रोह ना समग्र विश्व विरोध में विद्रोह ना गाँ लोक विरोध में विद्रोह ना ओडिया मान विरोध में विद्रोह तो कौड़ा हम राइट आंसर पे मैंने कौड़ा हम पे यार राइट आंसर हूँ ऑप्शन बी समग्र विश्व विरोध में विद्रोह करछि ओके तो पिला आम जो ये प्रश्न गुड़क आलोचना करुचना युड़क निहाती रूपे तुम जो फॉर्मेटिव असेसमेंट वन देन समेटिव असेसमेंट वन मन रख फॉर्मेटिव असेसमेंट वन सेप्टेम्बर मासर सॉरी नवंबर मासर प्रथम सप्ताह हेबो एवं समेटिव असेसमेंट वन नवंबर मासर चतुर्थ सप्ताह हेबो ओके तो फॉर्मेटिव असेसमेंट वन प्रथम सप्ताह समेटिव असेसमेंट वन चतुर्थ सप्ताह हेबो आ पिला माने मन रख जो समेटिव असेसमेंट वन रे टोटल तुम प्रति सब्जेक्ट रू 50 मार्क प्रश्न आसो आ जो गुड़िक कि केवल और केवल एम सी क्यू मन रख तुम्हें केते सब्जेक्ट पढ़ले सब्जेक्ट उपर अधिक गुरुत्व देले समेटिव असेसमेंट वन केवल एम सी क्यू आसो ओके तो मुझे सब्जेक्ट उपर गुरुत्व देवा ना कहीं सब्जेक्ट उपर गुरुत्व जो देखिए आम समेटिव असेसमेंट टू बेलू साय कर यह सहित जो फॉर्मेटिव असेसमेंट टू ओके तो से जो भी किसी सब्जेक्ट प्रश्न आसो कि यार अर्थ ना सब्जेक्ट प्रश्न बहुत लंबा लंबा आसो बहुत छोट छोट लेवल आसो बुझीपा ना तो ताको धरिकी निजे प्रिपरेशन करिवो ओके यह सहित पे जो मैंने
ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛ ନିହାତି ରୂପେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର ବି କରିବ କ୍ଲାସ୍ ପରେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଓକେ, ତୋ ଦେଖ 36 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଆଗେ ଦେଖା ହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ ଲେଖକଙ୍କ ସହ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବହୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଉଥିଲେ, ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ, ମଦବୋଧ ମନବୋଧ 34 ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ ନା ଦେଶ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ? ତ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖକଙ୍କ ସହିତ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କର ମାନେ ଆଗ ସମୟରେ ଦେଖା ହେଉଥିଲା? କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ମନବୋଧ 34 ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଲେଖକ ଆଜି ଶତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ ଠାରୁ କ'ଣ ଫେରି ପାଉନାହାନ୍ତି? ତ ଆଜିକା ସମୟରେ ଲେଖକ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ ଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ଫେରି ପାଉନାହାନ୍ତି? ନା ତା'ର ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ନା ତା'ର ପୂର୍ବ ସ୍ନେହ, ନା ତା'ର ପୂର୍ବ ଆତ୍ମୀୟତା, ନା ତା'ର ପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କ। ତ କ'ଣ ଫେରି ପାଉନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ପିଲାମାନେ ତା'ର ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ମନେ ରଖ, ତା'ର ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆଉ ଫେରି ପାଉନାହାନ୍ତି ଲେଖକ ଆଜି। ଆଚ୍ଛା, କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାମଟି ଯାକ କେଉଁଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି? ନବାଗତ ଜନତା, ନା ନବାଗତ ଅତିଥି, ନା ନବାଗତ ଶିଶୁ, ନା ନବାଗତ ପରିବାର? ତ କାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାମର ଯାକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି? କେଉଁଟା ଆନ୍ସର ଆସିବ ପିଲାମାନେ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ନବାଗତ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅଣଚାଳିଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅବହେଳିତ ଶିଶୁମାନେ ଲେଖକଙ୍କୁ କିପରି ଚାହିଁ ରହନ୍ତି? ଆଫ୍ରିକାରୁ ନବାଗତ ବାଘକୁ ଚାହିଁଲା ପରି, ନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ନବାଗତ କଙ୍ଗାରୁକୁ ଚାହିଁଲା ପରି, ନା ଆଫ୍ରିକାରୁ ନବାଗତ ଜେବ୍ରା ବା ଜିରାଫକୁ ଚାହିଁଲା ପରି, ନା ଆମେରିକାର ନବାଗତ ଡେଙ୍ଗା ଲୋକଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା ପରି? ତ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ? ପିଲାମାନେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଆଫ୍ରିକାରୁ ନବାଗତ ଜେବ୍ରା ବା ଜିରାଫକୁ ଚାହିଁଲା ପରି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। ଆଚ୍ଛା, କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଗାଁରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ନବଯୁବକମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଶ ସେବା, ନା ରାଜନୀତି, ନା ସମାଜ ସେବା, ନା ଗାଁରେ ମାମଲତି? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ? ପିଲାମାନେ ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ 41 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ରୂପେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ।